स्टूडियो मेंबर्सानी एंटरपाइज को आज दिन हम ट्रेड कर रहे हैं क्या रीजन है अडानी एंटरप्राइजेस को ट्रेड करने का

अपने अकॉर्डिंग हम क्या समझ रहे हैं कि प्राइस ने दो दिन पहले रिजल्ट निकलने से दो दिन पहले ही इसने इतना बड़ा मूव क्यों दिखाया और पिछले एक महीने से इसके अंदर कोई बड़ा मूव क्यों नहीं आया प्राइस हमारा लगातार नीचे की तरफ गिर रहा था और यहां पर आकर की रुक गया फंस गया अब रिजल्ट आने वाला है तो उसके दो दिन पहले ही क्यों इसने इतना बड़ा मूव दिखा दिया क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि प्राइज अपनी रेंज के अंदर रहे और जब इसके अंदर रिजल्ट हों तब प्राइस का ब्रेकआउट हो ऐसा नहीं हुआ प्राइस ने दो दिन पहले ही ब्रेकआउट दिखा दिया हो सकता है ये आज भी कल की हाई को ब्रेक करते हुए प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं क्लोज हो जाए एंड इसके बाद में अगर कल अडानी एंटरप्राइजेस का रिजल्ट अच्छा है जिसकी उम्मीद भी है एक पॉजिटिव रिजल्ट अगर आता है तो प्राइस के अंदर आप बाइंग करोगे आप बाई करोगे और प्राइस में मे भी चांस है कि वहां से जो बड़े ट्रेडर्स हैं यहाँ से आपको शॉर्ट सेलिंग करते हुए नजर आ जाऊँ और आप कैसल फटाफट हिट हो तो कल यानी थर्ड नवंबर के दिन तो हम इसको ट्रेड नहीं ही करेंगे आज जितना भी मूव होगा इसके अंदर से लेकर के निकलने की कोशिश करेंगे अभी कभी जो इसके अंदर हमारा ओवरऑल प्रॉफिट चल रहा है ना ट्वेल्व एंड रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड के अराउंड का प्रॉफिट हमारा इसके अंदर चल रहा है टू हंड्रेड हमने इसके अंदर बाई की हुई है एंड ऑर्डर बुक में जाएंगे तो स्टॉप लॉस का जो एरिया है अपना थ्री फाइव थ्री थ्री पॉइंट फाइव जीरो का हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है एंड पोजिशन बुक वापस से तो 12,500 के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है हालांकि कल के हाई के पास में ही हमारा टारगेट है और बहुत ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि प्राइस कल के हाई के पास में अगर सस्टेन होता है ना तो यहाँ से हम अपने प्रॉफिट्स बुक कर लें बट थोड़ा सा वेट कर सकते हैं बिकॉज अगर प्राइस ने हमको स्पार्टनेस दिखाई तो यहाँ से एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है पहली चीज़ ये तो हमारी डे टाइम फ्रेम की एनालिसिस हो गई अब आज के ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम पर हमने क्या देखा फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग आएंगे एक चीज़ जो अक्सर हम आपसे कहते हैं कि प्राइस अगर अप साइड की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए जाता है है ना और अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो प्राइस हमारा सपोर्ट को ब्रेक करते हुए गिरेगा अगर उसको नीचे की तरफ गिरना है तो ब्रेक गिर सपोर्ट ब्रेक करेगा गिर जाएगा सपोर्ट ब्रेक करेगा गिर जाएगा अपसाइड की तरफ जाना है तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होंगे रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होंगे रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होंगे हमें मालूम है कि अडानी इंटरप्राइजेज ने कल के दिन रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट किए थे अब जब हम ये कहते हैं कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया यहाँ पर प्राइज ने सपोर्ट ले लिया फिर से हाई के पास से प्राइज़ ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एंड यहाँ से सपोर्ट मिला एंड फिर यहाँ से सपोर्ट मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कल के सेशन कल में जब हम देख रहे थे कि प्राइस के अंदर की जो वॉल्यूम्स हैं ये बहुत आ रही थी प्राइस अपने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है एंड यहाँ पर वॉल्यूम्स ज़्यादा आ रही हैं हमने क्या किया वो रेजिस्टेंस जिसको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया गया है मतलब ज़्यादा क्वान्टिटीज़ लगाने के बाद में उस लेवल को ब्रेक किया गया है हमने उस लेवल को मार्क किया प्राइस हमारा आज के ट्रेडिंग सेशन में उस लेवल तक आया और जैसे ही प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ जाने लगा चौक एंट्री मॉडल का जो फुल एनालिसिस वीडियो जिसमें एक एक चीज हमने बताई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे वहां से जाकर के प्ले करके आप देख लीजिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में चौक को भी समझाना और आज के ट्रेड को भी समझाना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है सो so, उस वीडियो पर जाएगा तो कुछ इस कुछ स्ट्रेस उसका दिखता है और ये वीडियो चलते चलते थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ हम इतना जो पार्ट है इसको हम बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं थैंक्स हमने इसके अंदर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया चौथ के अकॉर्डिंग क्या होता है चेंज ऑफ करेक्टर प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिरा इसने सपोर्ट लिया हाई एंड फिर से प्राइस हमारा नीचे की तरफ गया अगेन यहाँ पर हाई ये वाला जो एरिया बना ये चौक के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर अपनी एंट्री ली लोअर टाइम फ्रेम पर प्रीवियस डे के उस रेस्टोरेंस को मार्क किया जिसको सबसे ज्यादा क्वांटिटीज के साथ ब्रेक किया गया और हायर टाइम फ्रेम पर हमने आपको बताया ही अब अब चलते हैं सीधे के ऊपर पर देखिए क्या हुआ है ये जिस कैंडल को हमने मार्क किया है प्राइस ने इस कैंडल के थ्रू एक रेजिस्टेंस बनाया एंड इसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट प्राइस ने कल के दिन कर दिया था यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट प्राइस का रिट्रेसमेंट और अगेन इसने कल का जो हाई लगाया है हमारे इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद में एक नया हाई लगा दिया क्लियर मतलब कि ये सबसे लास्ट रेजिस्टेंस था जो प्राइस ने कल के दिन ब्रेक किया था क्या यही रेजिस्टेंस प्राइस क्योंकि ब्रेकआउट कर चुका है अपसाइड की तरफ ट्रेड कर रहा है तो क्या ये रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए तो देखिए आज के दिन क्या हुआ है एंड यहीं पर जब हम देखेंगे तो प्राइस ने हमारे इस रेजिस्टेंस को हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था वॉल्यूम्स को ऑफ कर देते हैं अब आज के सेशन में क्या हुआ है कि प्राइस हमारा नीचे की दिशा में आया ये कुछ स्विंग्स लगे थे इसके लोअर टाइम से लो हाई और प्राइस ने हमारा ये सपोर्ट एरिया ब्रेक कर दिया और फिर से जब प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ जाने लगा तो इसी सपोर्ट एरिया के पास में मतलब कि पैंतीस सौ पचास रुपये पर हमने ये अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया एंड कल के हाई के ऊपर ही कहीं कही ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निकल जाएंगे अगर प्राइस हमें मूव दिखाता है तो सिंपल सी एनालिसिस रही है सिंपल सा ट्रेड एग्जीक्यूट कोई इसके अंदर हमने बहुत बड़ी एनालिसिस नहीं की ना ही कुछ किया कोई इसके अंदर हमने बहुत बड़ी एनालिसिस नहीं की सिंपल अपने लेवल का वेट किया लेवल के पास में अपनी कन्फर्मेशन का वेट किया कन्फर्मेशन के बाद में स्टॉप लॉस लगाया और ट्रेड हमारा चल रहा है प्रॉफिट्स इस वक्त के काफ़ी कम हो गए है नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के अराउंड है ये अगर हमारी स्टॉप लॉस की लाइन है ठीक है यहाँ के हमारे स्टॉप लॉसेस हैं एंड थ्री फाइव फाइव जीरो के इस रेंज के पास में की अपनी एंट्री है थ्री फाइव फाइव जीरो देखते हैं टारगेट तो काफी जल्दी मिला ये जो हमारी कैंडल बनी है एक परसेंट से ज्यादा की कैंडल बन गई है वर्ष थ्री पॉइंट फाइव का टारगेट है प्राइस अगर अब साइड की तरफ जाता है ना तो एक मूव हमें देखने को मिल जाएगा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जाएगा जाएगा इन द सेंस जा सकता है टेन थाउजेंड टू हंड्रेड चलिए कोई बड़ा मूव होता है इसके अंदर या फिर जब हम प्रॉफिट बुक करते हो तो इन्फॉर्म करते हैं आपको ट्रेडर्स तो मॉर्निंग से हम इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं जब से हमने इसके अंदर अपनी एंट्री ली है लगभग दस बजकर पंद्रह मिनट के बाद से सत्रह मिनट या सोलह मिनट पर अपनी एंट्री इसके अंदर हुई थी एंड प्राइस ने एक अच्छा खासा टारगेट हमें दिखाया जो एक्सपेक्टेशन हम लेकर के चल रहे थे कि प्राइस को इस रेंज के ऊपर जा के जैसे ये क्लोजिंग दे देगा तो एक मूव हमें अपसाइड की तरफ मिल जाएगा एक्चुअली इसी एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे हुए थे हम कि प्राइस कल के हाई के ऊपर थोड़ा बहुत मूव हमें दिखाएगा बट जैसे ही प्राइस कल के हाई के पास गया एक रिजेक्टेड कैंडल यहाँ परफॉर्म हुई और प्राइस सीधे हमारे एंट्री लेवल तक आ गया अपने स्टॉप लॉस को इसीलिए हम मॉडिफाई नहीं करते कि यहाँ से स्टॉप लॉस उठा करके प्राइस यहाँ पहुँच गया तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ रख दिया प्राइस वहाँ पहुँच गया फिर से अपने स्टॉप लॉस को उठा के हमने ट्रेल कर लिया रीज़न यही होता है क्योंकि हमें मालूम है कि जिस जगह पर हम एंट्री लेने वाले हैं वो जगह कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की भी वहाँ पर लेवल्स हैं प्रीवियस डे के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वहाँ पर उसके भी इम्पोर्टेंस हैं सो प्राइस के अंदर जो रिट्रेसमेंट का एरिया बनता है वो यही वाला बनता है अब यहाँ पर भी अगर हम इस जगह पर एंट्री लेने के बाद भी प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ चला जाए स्टॉप लॉस को उठा करके यहाँ पर हम ट्रेल कर दें तो होगा क्या कि प्राइस हमारे स्टॉप लॉस लेगा और यहाँ से सीधे फिर अपसाइड की तरफ चला जाएगा सभी के अपने अपने प्रोस्पेक्टिव होते हैं सभी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखिए ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है हम इसको जबरदस्ती आपसे नहीं कह रहे कि आप इसको फॉलो करो हमें अच्छा नहीं लगता है स्टॉप लॉस को ट्रेल करना हाँ कभी कभी हमें काम करते हैं कि जब हमें डर लगता है ना कि यार यहाँ से निकल जाना चाहिए या प्राइस इस जगह पर आ गया यहाँ से अब हमें बाहर निकलना चाहिए प्राइस हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा उस कंडीशन में भी हम सारी क्वांटीज नहीं निकालते अब यहाँ पर देखिए जैसे अपने पास टू हंड्रेड क्वांटीज़ हैं अब यहाँ पर देखिए अपने पास जैसे 200 हंड्रेड हैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं सो so, 200 हंड्रेड में हम यही कोशिश करेंगे कि हंड्रेड निकाल देंगे और हंड्रेड से फिर भी हम होल्ड करेंगे वेट करो ना नहीं होगा पूरा नहीं मिलेगा मैं बारह तेरह हज़ार का प्रॉफिट नहीं मिलेगा कुछ तो मिलेगा लेकिन लास्ट में जब हम मार्केट से निकलेंगे तो अपने पास एक ये अचीवमेंट होगा तो अपने पास ये अचीवमेंट होगा कि हमने जो भी एनालिसिस प्राइस के अंदर की थी आखिर तक हमने उस एनालिसिस को होल्ड किया है और अपने एनालिसिस के ऊपर बिलीव किया क्लियर हमने जहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया था जहाँ पर हमने अपनी एंट्री ली थी आखिर तक हमने इसको होल्ड किया है एंड इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 6500 के अराउंड चल रहा है एंड अब टाइम तो फिलहाल होने वाला है क्योंकि ये जो कैंडल हमारी बन रही है करीब तीन बजकर दस या पाँच मिनट की तीन बजकर पाँच मिनट की कैंडल बन रही है एंड तीन दस होने में एक मिनट चौबीस सेकंड बचे हुए हैं तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं एंड सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड ऑर्डर बुक में जाएंगे ऑर्डर बुक से जा कर के अपने स्टॉप लॉस को करेंगे कैंसिल स्टॉप लॉस कैंसिल हो गया है वैसे पोजिशन बुक सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड प्राइस चल रहा है हमारा थ्री फाइव एट वन पॉइंट वन फाइव का थ्री फाइव एट वन पॉइंट वन जीरो ठीक है सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड कोई बहुत बड़ा रेशियो नहीं है हालांकि इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हमारी गलती थी मॉर्निंग में जब प्राइस वहाँ तक गया तो हमें एग्जिट कर देना चाहिए था बट हम क्लोजिंग का वेट करते रह कोई बात नहीं ऑफ स्क्रोसी एंड पेस्ट थ्री फाइव एट वन पॉइंट वन जीरो थ्री फाइव एट वन पॉइंट नाइन जीरो हो गया एट टू एट फोर ओके चलिए थ्री फाइव एट फोर पर ये रिवाइज टारगेट होगा अपना आज का कल के डेट में करीब वही बारह हज़ार या साढ़े बारह हजार का प्रॉफिट हुआ था आज भी हमको दिखा था बारह हजार के आसपास का हमको प्रॉफिट दिखाई दिया था कोई क्वांटिटी नहीं निकली एट फाइव थ्री फाइव एट फोर अच्छा करना पड़ेगा सेवन नाइन हो गया लीजिए अब हो गया काम अपना अब नहीं निकल सकते बाहर अब हम लोग खुद नहीं निकल सकते अब रुकर ही निकालेगा तीन बजकर अठारह मिनट पर हमें यहाँ से एग्जिट मिलेगी हो गया क्वांटिटीज निकल गई सारी अपनी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर थाउजेंड का प्रॉफिट है प्राइस हमारी रेंज के ऊपर एक बार क्लोज हो जाता तो हम निकल जाते हैं बट क्लोजिंग दी ही नहीं रिजेक्शन बन गया प्राइस नीचे की तरफ गिरा अगेन जब अपसाइड की तरफ जाने लगा तो हमें लग रहा था कि प्राइस वापस से इस रेंज को टच करेगा लेकिन हुआ नहीं कोई बात नहीं चलता रहता है एंड आई होप कि आज की वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको आप जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा कॉमेंट्स कीजिएगा एंड अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक्स एंड वी विल मीट अगेन